खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां सहाफ़ी अतरमदीन के कातलों की गिरफ्तारी के लिए सहाफ़ियों का सदर थाने के सामने धरना शुरू। मुख्तलिफ सियासी समाजी सियासी तंजीमों के रहनुमाओं की धरने में शिरकत। फंक्शन लीग सिंध के जनरल सेक्रेटरी और जीडीए के इतला सेक्रेटरी सरदार अब्दुल रहीम, फंक्शन लीग सिंध के जॉइंट सेक्रेटरी, कराची जोन राबता कमेटी के कन्वीनर बैरिस्टर अरशद बलोच, मसरूर चचा, कराची प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी रिजवान भट्टी, पीएफयूजे के सदर जीएम जमाली, सदर एजाज अहमद, जनरल सेक्रेटरी आजिज जमाली, सैयद जान बलोच, खालिद पमर समेत सहाफियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। धरने से खिताब करते हुए सिंध के जनरल सेक्रेटरी और जीडीए के इतला सेक्रेटरी सरदार अब्दुल रहीम ने कहा कि इदारे यकीनी करने के लिए यहाँ हाजिर हैं और आइंदा आप जो भी प्रोग्राम बनाएंगे एहतजाजी हम आपका भरपूर तरीके से साथ देंगे। पूरी सिंध में पाकिस्तान मशरकी फंक्शन अपने साथी भाइयों के साथ उनको रुकूफ कराने के लिए, उनकी परेशानियां दूर करने के लिए जो भी मुहिम होती है हम आगे आगे होते हैं। सहाफ़ी अतरमदीन के कातलों की गिरफ्तारी के लिए फंक्शन लीग कराची समेत पूरे सिंध में एहतजाज करेगी। सिंध हुकूमत और वज़ीर आला सिंध को नाअहली का एतराफ़ करते हुए इस्तीफ़ा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत बेहिसी की इंतहा हो चुकी। नवाबशाह में पुलिस ऑफिसर समेत 6 लोग कत्ल कर दिए गए, मगर पुलिस FIR तक दाखिल न कर सकी और 3 दिन लाश रोडों पर रखकर एहतजाज की गई। सरदार अब्दुल रहीम ने मजीद कहा कि हम कातलों की गिरफ्तारी के लिए सहाफ़ियों के हर एहतजाज में साथ हैं। कराची प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी रिजवान भट्टी ने खिताब करते हुए कहा कि सहाफ़ी अतरमदीन के कातलों को सजा दिलवाने तक खामोश नहीं बैठेंगे, कातलों की गिरफ्तारी तक एहतजाज जारी रहेगा। PFUJ के सदर GM जमाली ने खिताब करते हुए कहा कि 256 सहाफ़ी कत्ल हो चुके, सहाफ़ी मौत से डरने वाले नहीं। अगर अतरमदीन के कातिल गिरफ्तार ना हुए तो पूरे मुल्क में एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। UG के जनरल सेक्रेटरी आजिज जमाली ने कहा कि कराची में सहाफ़ी कत्ल हो रहे हैं, मगर सिंध हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। कल सिंध असम्बली तक एहतजाजी मार्च किया जाएगा। मकतूल सहाफ़ी अतरमदीन की बेटी ने कहा कि मुझे मेरे बाबा के कत्ल का इंसाफ चाहिए। KUJ दस्तूर के सदर राशिद अजीज ने कहा कि रोजाना सैकड़ों को यतीम किया जा रहा है, मगर सिंध हुकूमत और पुलिस खामोश तमाशाई का शिकार है।